तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। अच्छा बहनगे, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं माइनक्राफ्ट बट वोड एंड ट्रेड ओपी आइटम। जी गाइस, तो कितनी अच्छी ओपी आइटम करने वाले जितनी आपने अच्छी ना होगी। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहां पे हम एक ऐसी जगह पे स्पॉन हो चुके हैं जहां पे दूर दूर तक सिर्फ जंगल ही जंगल है। वोडन को तो छोड़ो, यहां पे ट्रेड करने का कोई एक विलेजर नहीं दिख रहा। तो सबसे पहले हम एक बेसिक चीज से स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले अपनी लकड़ियां तोड़ते हैं। लकड़ियां तोड़ने के बाद उनसे हम काफी सारे टूल्स बनाने वाले हैं। तो यो गाइस, हमने काफी सारे यहाँ पे वुड ले लिए। अब यहाँ पे इसको सबसे पहले प्लैंक बना लेते हैं। प्लैंक बना के हम काफी सारे यहाँ पे टूल भी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे टूल्स बन चुके हैं और हम यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं वुडन को ढूंढने। वो कहाँ मिलेगा वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो तो हमें इनसे ही पूछना पड़ेगा। तो इनसे पूछने के बाद हमें पता लगा कि वुडन मिलेगा तो वो इस लोकेशन पे स्पॉन होने वाला। तो वो भी हमें टिक करना पड़ेगा वहाँ पे जाने के लिए। तो फटाफट यहाँ पे चल लेते हैं। तो वो काफी ज्यादा दूर है, तो बीच में जितनी भी मुझे चीजें मिलने वाली मैं सब चीज को लेने वाला हूँ। लाइक यहाँ पे हमें बैम्बू मिल गया और थोड़ी दूर पे हमें यहाँ पे एक ट्री दिख गया जिससे हमने थोड़े बहुत गोहो ले लिया। और उसके बाद हम चले गए फटाफट से शिप्स को मारने, क्योंकि हमें रात होनी थी। रात होने से पहले हमें फटाफट बेड बनाना था, बेड बनाने से हमें सोना था। तो यहाँ पे हमें काफी सारी शिप मिल गई जिनको हमने मारा और कुछ पिक भी मिल गए खाने के लिए, जिसका हमारा खाने का इंतजाम हो गया था साथ साथ में। और यहाँ पे एक रिबीन थी जिसके आगे एक दो शिप थी, तो हमें जाना था। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन था जंप करने का, तो वो हमने किया। लेट्स गो। यस गाइस, हम पहुंच गए। तो यहाँ जल्दी से शिप्स को मारते हैं और फटाफट रात होने से पहले अपना बेड बना लेते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और हमें लकली सारी वूल्स मिल चुकी है। अब यहाँ पे आप इजीली अपना बना लेंगे। ओ एक सेकंड, ये क्या? अरे भाई मेरी पावर, ओ शिट शिट, ये कहाँ से आया मुझे नहीं पता लगा। तो यार बार बार बचाओ, मेरे को लगा पता नहीं क्या आ गया था। अब यहाँ पे फटाफट अपना बेड बना लेते हैं और सो जाते हैं। और सीरियसली अभी मैं बार बार बचाऊ मरने। अगली मॉर्निंग हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस सेकंड डे हो चुका, अब तक वुडन का कोई अता पता ही नहीं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा खाना चाहिए, तो उसके लिए हम थोड़ी सी यहाँ पे शिप्स और गाय को मार देते हैं। और फाइनली अब जाके हमें वो लोकेशन मिल चुकी। पूरी एक हफ्ता लग चुका है हमें माइनक्राफ्ट में, क्योंकि 7 दिन हो चुके हैं और अब जाके हमें वो लोकेशन मिल गया। तो इन पहाड़ियों के ऊपर जाके एक आती है आइस बायोम, जहाँ पे हमें मिला है अपनी लोकेशन। तो वहाँ पे हमें मिलने वाला है वार्डन, जो कि हमें काफी अच्छे सीक्रेट ओपी आइटम करने वाला है। तो चलिए यार वहाँ पे चल लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं पहुंच ही गया था अपने आइस बायोम के ऊपर, लेकिन लकीली मुझे बीच में एक पहाड़ मिला जो कि भरा हुआ था आयरन और कोल से। लाइक वहाँ पे एक जैम भी था, तो फिर मैंने क्या करना था, यहाँ से सारा का सारा कोल और आयरन ले लिया। तो फाइनली यहाँ पे हमने अपना सारा कोल और सारा आयरन लेके निकल चुके हैं अपना वुडन को ढूंढने के लिए, ताकि हम उससे ट्रेड कर सके काफी ओपी आइटम। देखने वाले उसके पास कौन से ओपी आइटम होने वाले हैं, तो वो तो चल के ही पता लगने लगा। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पे चल लेते हैं फटाफट से। थोड़े से कैलकुलेशन करने के बाद मुझे पता लगा तो ठीक, हम उसके ऊपर ही खड़े हैं जहाँ पे हमने वुडन को मिलना है और ओपी ट्रेड्स करने हैं। तो यहाँ फटाफट से थोड़ा डिक करते हैं और मेरे ख्याल से अब तो हम पहुंच गए लोकेशन पे। और इन 3 2 1 लेट्स गो। मतलब हमारे साथ पोपट हो गया, तो कोई बात नहीं, हमारा सारा सामान सलामत है। तो यस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और वुडन को स्पॉन कराते हैं फटाफट से यहाँ पे नाच के थोड़ा सा, क्योंकि वो तभी स्पॉन होने में, बिना उसके तो स्पॉन हो ही नहीं सकता। तो यस वुडन आ चुका है और अब देखते हैं ये हमें हिट तो नहीं करेगा, क्योंकि इसने हिट करा तो हम यहीं के यहीं खत्म हो जाएंगे। प्लीज प्लीज ऐसा मत करियो प्लीज प्लीज प्लीज। यस तो गाइस अब मैं इसके पास जाने वाला हूँ, जो थोड़ा जिक्र रखते जाते हैं। चलो गाइस यहाँ पे पहुंच गया और ट्रेड का ऑप्शन कहाँ है? यस आया यस। तो गाइस हमने यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दबाया और शिट मैन, एंचेंटेड एप्पल डायमंड पूरे ब्लॉक दे रहा है वो भी। भाई ये तो मेरे पास पड़ा है पहले से कॉपर, कॉपर के बदले में इतनी सारी चीजें। तो सबसे पहले ऊपर जाने वाले, ऊपर जाके सारा अपना कॉपर पिघलाने वाले, उनको रो कॉपर में बदल के अपना जो कॉपर बनाने वाले हैं। और उसके बाद यहाँ पे वापस आने वाले और सारा सामान इकट्ठा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक चश्मा बना लेते हैं। चश्मा बनाने के बाद अपना जितना फालतू का सामान है उसमें रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना आप अपना कॉपर था वो सारा का सारा मेल्ट करने वाले हैं और उसको रो कॉपर से अपना प्योर कॉपर बनाने वाले हैं। तो फाइनली आप अपना कोपर बन के तैयार, जो फटाफट से ट्रेड करने चलते हैं। लेट्स गो गाइस। तो यहाँ पर हमारे थोड़े हर्ट्स वैसे कम हो चुके हैं, वो तो आपको पता ही, रात को क्या होता है यहाँ पे माइनक्राफ्ट में आपको बताने की लोड नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और फटाफट से ट्रेड करते हैं उससे जाके। मेरे को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है वोडन हमसे ट्रेड कर रहा है, सीरियसली। लेट्स गो गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। फटाफट को यहाँ पे बुलाते हैं अपने वोडन को। वोडन आ चुका है, इसके सामने जाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कोपर लेने वाला हूँ बड़ा सारा। कोपर से हम यहाँ पर थोड़ा और कोपर बना लेंगे, जनरेट कर लेंगे। मतलब क्या ही फालतू बनती है कोपर से इतना सारा कोपर बना लो। तो यार सब सारी चीजें लेने वाला हूँ मैं गाइस यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीजें। और यस लेवल 2 भी आ चुका है। यस यहाँ पे हम दे रहे हैं, ओ माय गॉड यहाँ पे कितनी बढ़िया चीजें दे रहे हैं। मतलब यार मेरे तो भाई भागी फूट गए, खुल गए यार इन द सेंस। तो यहाँ पर सारी चीजें ले लेते हैं गाइस। और यहाँ पे अभी लेवल 3 भी आने वाले मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर लेवल 2 है तो लेवल 3 भी जरूर होगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें जो ले लिया फटाफट से। और गाइस हमारी पूरी इन्वेंटरी बढ़ चुकी है सीरियसली यार, अब इसको खाली करके आने पड़ेगा, फिर से वापस आते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा जितना भी सामान था वो हमने एक चेस्ट में रख लिया सजा
जाके कीमती वाला। और अब वो बनाने वाले अपने कुछ टूल्स और यहाँ पे अब बनाने वाले थोड़े से कवच और ये चट्टी वट्टी बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे काफी काम के होने वाले हैं। हमने बिना आयरन ढूंढे इतना सारा आयरन ले लिया यार, शिट मैन। और अब यहाँ पे हम फुल रेडी हो चुके अपने डायमंड आर्मर के साथ। अब तो हम एंडर ड्रैगन की चटनी बना देने वाले फुल टू फुल। ये गाइस मतलब हाँ चटनी बनाएंगे इसके बाद, लेकिन अब वापिस से जा चुके हैं और अब देखते हैं हमें लेवल 3 पे क्या देने वाला है। तो गाइस लेट्स गो यार, देखते हैं हमें लेवल 3 पे क्या देता है। अगर ये हमें एंडर पोल और कुछ ऐसी चीजें दे दे जिससे हम यहीं पर अपना एंडर पोल चला देते, मतलब मजा ही आ जाने वाला है। ट्रेड करते हैं यार, स्पीड से करना पड़ेगा 2 मीटर को यार, मैं फटाफट से करके आता हूँ। तो गाइस आप मानोगे नहीं यार, यहाँ पर अब ये मेरे को क्या दे रहा है आप यहाँ पर जैसे चेक कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर हमें दे रहा है एंडर पोल और एंड पोर्टल भी, मतलब फोड़ क्या अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चाहिए यार रॉकेट्स, मतलब लाइटर के लिए सब कुछ तैयार है, वो अलग बात है हमें लाइटर उड़ाना नहीं आता, पर हम फिर भी कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, अब तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, फटाफट से चलते हैं ऊपर और हमारा फालतू सामान इसमें रख देते हैं। यस यहाँ पे सो जाते हैं, अगली सुबह कर लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जितना भी सामान आप जैसे कि देख सकते हो फुल टू फुल भरमार हो चुके अपने। और यस यहाँ पे हम उड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, बट फिर भी हमने ट्राई छोड़ी नहीं, करते रहे। और आप मानोगे नहीं इस मेहनत में हमें 10 मिनट लगे, लेकिन उस 10 मिनट के अंदर हम फाइनली उड़ गए। तो जैसे कि देख सकते हो गाइस अब हमारी मंजिल दूर नहीं, अब हम एंडर ड्रैगन की चट्टी बना एंडर ड्रैगन की। यस गाइस, तो गाइस यहां पर पहुंच चुके हैं, अब अपना फटाफट यहां पर एंड पोर्टल तैयार करते हो, फटाफट चलते अपना मारने के लिए किसको, अपने एंडर ड्रैगन को। यहां पर हमारा पोर्टल तैयार हो चुका है, तो लेट्स गो गाइस इन 3, 2, 1 और ये हम चल पड़े अपना मारने के लिए। तो गाइस हम यहां पर घुस चुके हैं और सीरियसली मैं बताऊं यहां पर अपना मैं लैडर बिल्कुल यूज करने वाला, क्योंकि अब मैं सिर्फ यहां पर अपना ब्रीचिंग ही करूंगा, क्योंकि अगर मैं गलती से नीचे गिर गया और मेरा सारा सामान चला जाने वाला सीरियसली, और मैं बिल्कुल यूज नहीं करने वाला, ठीक है। तो फाइनली हम ब्रिजिंग करते करते पहुंच चुके अपने एकदम एंड तक, और यहाँ पर ऊपर जाएंगे और फाइनली सारे एंड पोर्टल तोड़ने वाले हैं। तो गाइस मैंने कहा था ना हम यहाँ पे एंडर ड्रैगन की चटनी बना देने वाला, तो गाइस हमने यहाँ पे चटनी बना दी एंडर ड्रैगन के ऊपर। ये मोड काफी ज्यादा मजेदार था पॉकेट एडिशन के लिए। अगर आपको डाउनलोड करना तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। और मुझे बताना वीडियो कैसी लगी, अच्छी थी तब भी बताना, बोली थी तब भी बताना, क्योंकि हमारे एक ट्राई था यहाँ पे थोड़ा सा गेम प्ले का, तो कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो आज की वीडियो के लिए तो नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि हम 3K के काफी करीब है और एम रख लेते हैं हम पूरे के पूरे 100 लाइक का। तो प्लीज कर देना यार, प्लीज यार, दिल से बुरा लगता जब नहीं करते यार। तो गाइस आज की वीडियो के लिए, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।